बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं अरशान अहमद। आप सभी का वेलकम करता हूं HET चैनल में। फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के सब्जेक्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसीजर फॉर डिज़ाइनिंग कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ के हैं कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट क्या है। यहाँ पर हम प्रोसीजर पढ़ेंगे कि किस तरह से हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 5 स्टेप्स लिखे हैं, जिसकी मदद से आप कोई भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिज़ाइन कर सकते हो। तो आइए पढ़ते हैं 1 by 1 steps और उनको समझते हैं। तो step 1 है, इंटरप्रेट द प्रॉब्लम्स एंड सेटअप द ट्रुथ टेबल टू डिस्क्राइब इट्स ऑपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करें और उसकी ट्रुथ टेबल बनाएं, ताकि उसके ऑपरेशन को आप डिफाइन कर सकें या डिस्क्राइब कर सकें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, step 2 में राइट द एंड आर प्रोडक्ट ऑफ ईच केस वेयर द आउटपुट इज 1 or high। आप प्रोडक्ट फॉर्म लिखोगे हर एक आउटपुट पे जहाँ पर 1 होगा, या आपको कहा गया होगा कि यहाँ पर आउटपुट हाई है, ठीक है। कहीं कहीं केसेस में आपको कहा गया होगा कि इस टर्म पे आपका आउटपुट हाई है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, वहाँ पर लिखोगे प्रोडक्ट फॉर्म और एंड फॉर्म। वो किस तरह से लिखेंगे हम आपको प्रॉब्लम में क्लियर हो जाएगा जब मैं इसका एग्जांपल करूँगा। आप बस इतना समझ दें कि जहाँ जहाँ पर आपका आउटपुट हाई होगा वहाँ पर हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, step 3 में राइट द सोप एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट। जहाँ जहाँ पर आउटपुट पे हाई था हमने कहा, वहाँ पर लिखा प्रोडक्ट फॉर्म, फिर हम उसको क्या करेंगे सोप एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखेंगे। सोप एक्सप्रेशन क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो जो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट ली उनको हम सम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने अगर a.b + a.b, हमारे पास दो जो है प्रोडक्ट एंड फॉर्म में मिली, तो उनको हम किस एक्सप्रेशन में लिखेंगे, सोप एक्सप्रेशन में लिखेंगे, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हम सम कर देंगे, ठीक है। तो ये 3rd step था। 4th step में क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई करेंगे आउटपुट एक्सप्रेशन को। जो हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन मिली उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे जब तक हमें पॉसिबल हो कि हम जितना ये सिंप्लीफाई हो सकेगा हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ताकि हमारे पास कम से कम जो है गेट यूज़ हो इम्प्लीमेंटेशन के लिए। step 5 में हम क्या करेंगे, जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, फाइनली सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन हमें जब मिलेगी तो हम उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे उसका सर्किट। तो ये था प्रोसीजर ऑफ डिज़ाइनिंग कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। यहाँ पर ये कुछ जो है टर्म शायद आपको क्लियर ना हो हुए हो, आप फिलहाल यहाँ पर इतना ही समझ लें, जब हम इसका एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया हुआ होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।